हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल डीसी बिलाल शेख इमर्जिंग मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि देख रहे हो मेरे पीछे यूपी कैटेट उन बच्चों के लिए जो यूपी के डोमिसाइल है और जो वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जिन्होंने यूपी कैटेट का एग्ज़ाम दिया था उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, यूपी कैटेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका डेट वगैरह आ चुका है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कब चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना पैसा लगेगा, सारा चीज़ कंप्लीट हम इस वीडियो में ए टू जेड बात करने वाले हैं। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तीन कॉलेज यूपी कैटेट के थ्रू, तीन कॉलेज यूपी का जो तीन कॉलेज है उस तीनों में वेटनरी में एडमिशन होती है। एक तो बांदा है, एक फैज़ाबाद है और एक है मेरठ। तीनों में जो है काफ़ी सीट है। इससे पहले मैं यूपी कैटेट में जो भी कॉलेज उसका कितना फीस स्ट्रक्चर है, कैसे एडमिशन, सारा चीज़ मैं बना के डाल दिया था वीडियो, तो उम्मीद करते आप लोग देखे होंगे। ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी, तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि काउंसलिंग में मतलब क्या क्या प्रोसेस है, कैसे करेंगे, सारा चीज़ जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड तुम्हारा डाउट है ए टू जेड सारी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को है ना एंड तक जरूर देखना, अगर एग्जाम दिए तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो। हाँ, एक और बात, वो सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज हैं कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मतलब कैसे काउंसलिंग होगा, हम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पहली बार कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे मतलब मुझे पेड सीट में एडमिशन मिलेगा, क्या ऑप्शन रहेगा, क्या ऑप्शन नहीं रहेगा, क्या हमको फ्री सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों के लिए तुम लोगों के लिए एक प्लान लाया हूँ मैं। वो प्लान है ना तुम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उस पर क्लिक करके तुम वो प्लान मेरा परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस वीडियो को है ना उसमें सारी तुमको अभी से लेकर के जो काउंसलिंग की जो यूपी की काउंसलिंग है पांच फेज में चलेगी, तो अभी से लेकर के लास्ट राउंड तक है ना तुम्हारे साथ हम रहेंगे, वो प्लान परचेज करते हो, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। स्पेशली जो वेटनरी के बच्चे हैं उनके लिए खास करके मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो तो चलो स्टार्ट करते हो। देखो, यूपी कैटेट 2024 स्नातक ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रस्तावित तिथियां, यानी कि यूजी की काउंसलिंग जो है इसमें वेटनरी के अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारा कोर्स है जिसमें एडमिशन मिलती है, तो वो भी बात करूंगा मैं। ठीक है, देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करना, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, ये जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, कोई अगर ऑफलाइन कुछ भी कर रहा है तो वो जो है एकदम वैलिड नहीं होगा, एकदम से वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये रजिस्ट्री जो काउंसलिंग है फुल्ली जो है काउंसलिंग ऑनलाइन चलेगी। काउंसलिंग जो है मेनली चार फेज में काउंसलिंग होगी, तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, तीनों राउंड जो है ऑनलाइन होगा। फोर्थ फेज का जो काउंसलिंग होगा, फोर्थ राउंड जो काउंसलिंग होगा वो ऑफलाइन होगा। सारा हम बात करते हैं। देखो, तो जो ऑनलाइन काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट है 27 जून यानी कि कल से स्टार्ट है, 28 जून के शाम 5 बजे तक तुम कर सकते हो। ठीक, और ये प्रथम मतलब फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की जो डेट दे रखा है सेकेंड राउंड का 9 जुलाई से 10 जुलाई तक, सेकेंड राउंड जो है स्टार्ट होगा काउंसलिंग 9 जुलाई से 10 जुलाई तक, यानी कि सेकेंड राउंड में भी तुम फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर कोई बच्चा फर्स्ट राउंड में इनकेस भूल जाता है या नहीं कर पाता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो सेकेंड राउंड में भी वापस से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, BBSC NH को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम हेतु, मतलब BBSC के अलावा जो और भी बहुत सारा फील्ड है सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनके लिए है। फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा 21 से 23 जुलाई चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा लेट से चलेगा। और द्वितीय सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो 10 से लेके 11 अगस्त तक चलेगा। और थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग है 29 अगस्त से 30 अगस्त तक। ये मतलब ये रजिस्ट्रेशन का टाइम है, इस सिर्फ 2 दिन का टाइम तुमको दे रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो इसमें है ना बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, नहीं कि मतलब कल भी टाइम है तो कल कर लेंगे, नहीं, जैसे 27 तारीख को स्टार्ट है तो 27 तारीख को ही सारा चीज़ कर लेना है तुम लोगों को। ठीक है, तो ये BBSC NH को छोड़ करके जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड उनके लिए है, ये BBSC NH के लिए। तो BBSC NH के लिए चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग 27 जून 28 जून को ही तुम्हारा जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग कर सकते हो फर्स्ट राउंड का। और सेकेंड राउंड जो है 9 से 10 जुलाई उसी के बीच में, जो रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है उसी के टाइम में चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग भी हो जाएगा। कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, कैसे चॉइस लॉकिंग होंगे, अगर चॉइस लॉकिंग नहीं कर पाए तो क्या होगा, अगर लॉक कर दिए तो क्या हम चेंज कर सकते नहीं कर सकते, सारी बात करेंगे वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काउंसलिंग ऐसा चीज़ है जिसमें बच्चा है ना कॉलेज डिजर्व करते हुए भी कुछ अगर गलती कर देता है या समझ में नहीं आता है तो वो अपना कॉलेज का सीट जो है ना वो गंवा सकता है। तो इस चीज़ को है ना बिल्कुल भी लापरवाही से मत लेना, बहुत ही सीरियसली तरीके से ध्यान
ध्यान से सुनना और अच्छे से प्रॉस्पेक्टस करना। अगर तुम लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं प्रॉस्पेक्टस इसका जो भी प्रॉस्पेक्टस है इन्फॉर्मेशन वो सारा मैं डालता रहता हूँ और डाल दूंगा, वहाँ से भी तुम खुद से भी पढ़ सकते हो सारी चीज़ को, ठीक है। फिर सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित, जो सीट एलोकेशन होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, वो 2 जुलाई से होगा, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड का 2 जुलाई से होगा और सेकेंड राउंड का 14 जुलाई को होगा। इसी तरीके अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, इसमें एक चीज़ आता है कि डॉक्यूमेंट भी तुमको ऑनलाइन ही अपलोड करना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने का वो है डेट है वो है 2 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक, 2 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक। देख रहे हो सब चीज़ का मतलब सिर्फ एक दो दिन का टाइम दे रहा है ये फर्स्ट राउंड का, 14 से 15 जुलाई जो है सेकेंड राउंड में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना नहीं करना वो भी मैं बताऊँगा, ठीक। फिर आ रहा है कि डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग, जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा 2 से 4 जुलाई को 2 से 4। फिर डॉक्यूमेंट जो है दोबारा से वेरीफाई होगा वो होगा 5 जुलाई और 17 जुलाई को, उसी दिन जिस दिन जो मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसी दिन वेरीफाई भी हो जाएगा। फिर सिक्योरिटी फीस जमा करना है 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक, सिक्योरिटी फीस जमा करना है 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक सेकेंड राउंड के लिए। फिर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये क्या होता है प्रोविजनल, जो सारा चीज़ जब हो जाएगा तुम्हारा, देखेगा कि तुम्हारा स्कोर कितना है, तुमको मिल रहा है सीट अलॉट वगैरह हो गया, ठीक, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोबारा से जो वेरीफाई वगैरह सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो तुमको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उस कॉलेज का कि इस कॉलेज में तुमको ये सीट मिला है। वो अलॉटमेंट लेटर लेकर के वो जो कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुमको अलॉटमेंट लेटर है जिस कॉलेज का, उस कॉलेज में जाना है वापस से, वहाँ पे फीस जमा करना है उस कॉलेज का और एडमिशन ले लेना है। ये सारी तक यहाँ तक की प्रोसेस है, ठीक। फिर आवंटित विश्वविद्यालय प्रवेश रिपोर्टिंग 5 बजे तक सिर्फ कार्य दिवस में 4 से 6 जुलाई और 16 से 29 जुलाई। जैसे वो सीट अलॉटमेंट लेटर तुम डाउनलोड करके मिल जाएगा अलॉटमेंट लेटर, तो अलॉटमेंट लेटर लेकर के तुमको कहाँ जाना है, 4 से 6 जुलाई फर्स्ट राउंड के लिए 4 से 6 जुलाई के बीच में जाना है, जो कॉलेज में तुम, जिस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर है उस कॉलेज में पहुंचना है, ठीक है। मतलब जो वर्किंग आवर है, वर्किंग आवर जनरली 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होता है, तो शाम 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक तुम किसी दिन जा सकते हो, वो है ना, मतलब बस ऑफिशियल डे होना चाहिए। मतलब छुट्टी उट्टी के दिन नहीं चले जाना कि मतलब संडे को चले गए या कोई फेस्टिवल है जिस दिन छुट्टी उस दिन चले गए, ऐसा वो दिन नहीं जाना, जो वर्किंग डेज है और वर्किंग आवर में, वर्किंग डेज में और वर्किंग आवर में उस कॉलेज में तुमको अपना अलॉटमेंट लेटर जो भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ लेकर के जाना है, ठीक है, और वो पैसा के साथ जाना है। और जो पैसा जो है वो पैसा जो है उसमें डिमांड ड्राफ्ट, चेकबुक वगैरह ये सब नहीं, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह है या इस सब से जो है पैसा जमा नहीं होता। पैसा कैसे जमा होगा वो भी हम बताते हैं, ठीक है। और जो भी जो अपडेट वगैरह सारा जो है यूपी कैटेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सारा अपडेट मिलता रहेगा, तो ये वेबसाइट जो है खोल के तुम बार बार देख सकते हो। देखो क्या है काउंसलिंग की पद्धति, स्नातक मास्टर एंड पीएचडी, हम लोग यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का यानी कि स्नातक का देखेंगे। तो प्रथम काउंसलिंग बता दें नॉर्मल एम पेड सीटों पर, ठीक है। द्वितीय काउंसलिंग ऑनलाइन सामान्य नॉर्मल एंड पेड सीटों पर, तृतीय काउंसलिंग सामान्य नॉर्मल एंड पेड सीटों पर, चतुर्थ काउंसलिंग सामान्य फी पेड एवं NRI S1 सीट पर ऑफलाइन। देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ये तीनों ऑनलाइन होगा और जो फोर्थ राउंड होगा वो ऑफलाइन होगा। तीनों राउंड में जो नॉर्मल सीट है उस पर भी और जो पेड सीट है दोनों में काउंसलिंग होगी, दोनों में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिसको जो लेना है, मतलब तुम्हारा अगर अच्छा नंबर आया है, अच्छा रैंक आया है तो तुम पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर अच्छा स्कोर नहीं आ पाया है तुम चाहते हो कि पेड सीट लेना है तो पेड सीट के लिए भी ऑप्शन में डाल सकते हो। दोनों ही ऑप्शन में तुम टिक लगा सकते हो, जो भी वो तुम्हारा मेरिट के अकॉर्डिंग तुम्हारा फॉल करेगा वो तुमको मिल जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया, सबसे पहले ऑनलाइन तुमको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस लॉकिंग करना है, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फिर डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होगा, फिर वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फिर डॉक्यूमेंट रीवेरीफिकेशन होगा, फिर सिक्योरिटी फीस जमा करना है और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर तुमको मिल जाएगा, वो ले करके तुमको कॉलेज जाना है, वहाँ पर एडमिशन ले लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली तुमको जाना है यूपी कैटेट जो वेबसाइट है इस पर जाना है तुमको, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, ये न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करना है तुमको, और वहाँ पे अपना जो है रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके और OTP जनरेट करना है, ठीक है, और आगे प्रोसीड करना है तुम, ठीक है, और सेव पासवर्ड पे क्लिक कर देना है।
तुमको है ना वहाँ पे जो मोबाइल नंबर यूज़ करना है और ईमेल यूज़ करना है वो अपना यूज़ करना है, क्योंकि जो भी नोटिस आएगा फिर जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट आएगा वो उसी नंबर पे आएगा, तुम्हारा अपना ईमेल पे आएगा। तो अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर डालना है इसमें, नहीं कि कहीं ई मित्र से जाके करवा रहे हो या किसी और से करा रहे हो तो किसी का डाल दिए, तो ऐसे में जो है अपडेट तुमको नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करना कि अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल डालना जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगेगा, और जो भी पासवर्ड अगर अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना और वो पासवर्ड याद रखना, क्योंकि वो पासवर्ड बार बार तुमको लॉगिन करने में काम आएगा, ठीक है। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है। अब ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो जो भी कॉलेज है तुम्हारा जो स्कोर है उसके हिसाब से, अब तीन कॉलेज है तो तुमको वेटनरी लेना है या वेटनरी के अलावा और कुछ लेना है, तो अपना प्रीफ्रेंस तैयार कर लेना तुमको, ठीक है। प्रीफ्रेंस तैयार करना है, मान लो तुमको अच्छा स्कोर आ रहा है, तुम वेटनरी लेना चाह रहे हो, वेटनरी में अब तीन कॉलेज है, तो तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी, कोई बच्चा मेरठ लेना चाहे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरठ सीट रखना, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे फैजाबाद रखना, तीसरे नंबर पे बांदा रखना, इस तरीके से कर सकते हो। अब तुमको पेड सीट का भी करना है तो अपना देख लेना कि कौन किस कॉलेज, मतलब कौन सा कॉलेज में तुमको पेड सीट चाहिए, फैजाबाद में चाहिए, मेरठ में चाहिए, तो उसके हिसाब से प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लेना। तो अगर पेड सीट चाहिए जिसको, तो दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, मतलब फ्री सीट के लिए भी कर सकते हो और पेड सीट के लिए भी कर सकते हो। फ्री सीट तो ऐसे नहीं, मतलब कम नंबर है तो तुमको मिलना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में डाल सकते हो, क्या पता मतलब मिल जाए तुमको, इसीलिए वो भी ऑप्शन में क्लिक करना, ठीक है। और तुमको तुम मेंटली प्रिपेयर तो हो ही कि हमको पेड सीट लेना ही है, तो पेड सीट तुमको जैसे ही मिलता है तुमको आराम से एडमिशन जा करके ले लेना, सारा प्रोसेस जो है वो होगा। और हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से स्कैन करना, उसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है तुम्हारा नाम डिटेल उटेल जो भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट में, कोई भी डॉक्यूमेंट है, 10th क्लास का 12th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट से कुछ भी है, तो वो है ना क्लियरली अच्छे से साफ फोटो एकदम क्लियरली ब्राइट, मतलब एकदम ब्राइट इमेज उसको अच्छे से खींचना और उसको वापस स्कैन कर लेना। स्कैन वाला बहुत सारा ऐप है तो वो स्कैन ऐप यूज करके स्कैन कर लेना, पीडीएफ फॉर्मेट में बना लेना उसको, और फिर उसको है ना अपलोड कर सकते हो तुम आराम से। और जैसी सारा चीज़ तुम्हारा हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट जो है उससे पहले तुमको सिक्योरिटी फीस जमा करना है। सिक्योरिटी फीस जो है 5000 है, सिक्योरिटी फीस जो है 5000। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि सिक्योरिटी फीस किस कैटेगरी के लिए कितना है, यानी कि सब के लिए सिक्योरिटी फीस जो है 5000 है। और सिक्योरिटी फीस जो पे कर दोगे तो उसके बाद तुमको एक रिसिप्ट जनरेट होगा, वो रिसिप्ट को अपने पास है ना हिफाजत से बचा करके रखना, क्योंकि वो सिक्योरिटी मनी वापस तुमको मिल सकता है, तो इसलिए उसको है ना मतलब जब तक काउंसलिंग चल रहा है तब तक लास्ट, जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक है ना उसको अच्छे से अपने पास रखना वो सिक्योरिटी मनी। और सिक्योरिटी मनी फीस जमा कर दोगे तुमको सीट अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट हो गया है, अब वो प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर लेना और जा करके कॉलेज में एडमिशन लेना है तुमको, ठीक। अगर सिक्योरिटी मनी कोई नहीं जमा करता है तो उसका जो है अलॉटमेंट लेटर कैंसिल हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी एकदम जरूरी है जमा करना। सिक्योरिटी फी जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपना आवंटन प्रोविजनल लेटर अपने लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी मनी जमा कर दोगे तो फिर अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है वो तुम अपना लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर सकते हो। देखो अब यह 11 स्टेप 11 विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया रिपोर्टिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना, तो ये सारी चीज़ें हैं ना टेलीग्राम पे मैं वीडियो, मतलब टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं ये प्रोस्पेक्टस डाल दूंगा, वो सारा चीज़ तुम है ना एक बार खुद से पढ़ लेना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब है जो लगता है कि नहीं जरूरी है बताना, मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ बता दे रहा हूँ, और फिर भी सबको बोल रहे हैं वापस से तुम लोग खुद से अपना जो भी प्रोस्पेक्टस है वो एक बार जरूर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना बार बार, ताकि कुछ भी काउंसलिंग के टाइम पे गड़बड़ी नहीं हो। काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सावधानी से करने वाली चीज़ है, ठीक है। और अगर चाहते हो तुमको बहुत ही डर लग रहा है तो मेरा पेड जो है वो पेड मेंबरशिप प्लान परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करना, फिर तुमको हम जैसे ही वो पेड परचेज करते हो तो तुमको तुम्हारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे मैं खुद जब फ्री होऊंगा तो 2 या 4 घंटे के बाद मैं तुमको खुद कॉल करूंगा, ठीक है। एक और चीज़ जो मान लो तुमको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है, कोई कोर्स अलॉट होता है, तुम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई जो है वो सीट अलॉट हो गया तुमको, ठीक, और तुम चाहते हो कि नहीं हम वापस से अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड करके हमको वेटनरी मिल जाएगा, ठीक है, तो वो अपग्रेड कर सकते हो। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन होगा, तो फर्स्ट राउंड में जो भी तुमको अलॉट हो रहा है तो अपग्रेड कर सकते हो, वहाँ पे अपग्रेड करोगे तो सेकेंड राउंड में जो तुमको जहाँ भी जो कॉलेज मिल रहा है वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहाँ जाने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह होगा, जो तुम्हारे इच्छा के अनुसार अगर वो चीज़ सीट मिल गई है तो उस पे तुम एडमिशन ले सकते हो। अगर नहीं मिल पाया, अपग्रेड नहीं हुआ वही है, तो फिर तीसरे राउंड में जो है अपग्रेड का ये वापस से अपग्रेड ये कर सकते हो तीसरे राउंड के लिए, यूजी के लिए, ठीक है। तो अपग्रेडेशन का भी प्रोसेस है, अगर जो लोग भी फर्स्ट राउंड में जिसको मान लो कॉलेज अलॉट होता है लेकिन वो नहीं लेना चाहता है, वो वापस अपग्रेड करना चाहता है, तो अपग्रेड कर सकता है, उसको कॉलेज जाने की ज़रूरत
नहीं है, लेकिन जो उसको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल गया है और चाहता है कि नहीं हमको आप अपग्रेड वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जाके कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। मेरी बात सुन रहे हो? मतलब जो लोग को अपग्रेड करना है उसको फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन है, उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अगर कोई चाहता है कि नहीं हमको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला वो हम ले लेना चाहता है, तो वो आराम से जा करके एडमिशन ले सकता है, ठीक। ये चीज़ें हैं, तो एक बार अच्छे से तुम खुद से पढ़ लेना, प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। देखो एक और पॉइंट, ऑनलाइन ऑफलाइन विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थी की सीट आवंटित की गई है, ऐसे अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज एवं उसकी 3 छाया प्रति के साथ आवंटित विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि में रिपोर्ट करें। दस्तावेज की सूची निम्नलिखित है। देखो जिसमें टिक लगा हुआ है ना यूजी के लिए, सब ये जिसमें टिक लगा ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है यूजी के लिए। ये देख रहे हो इसमें 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 ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है तुमको यूजी के लिए, जो लोग भी ऑफलाइन में जाओगे वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुमको लेके जाना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स का है ना 4 से 5 कॉपी बनाना, 5 कॉपी बनाना, 3 कॉपी लेके वहाँ पे जाना है, 1 कॉपी एक्स्ट्रा रखना और 1 कॉपी जो है घर पे रख के जाना। जो लोग भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे कॉलेज में, वहाँ पे वेरीफाई वापस से होगा और कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, तो सारा डॉक्यूमेंट्स का कम से कम 1 कॉपी जो है अपने घर पे ज़रूर रखना, क्योंकि वो कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है, फिर बाद में जो तुमको कोई काम आएगा तो उस समय तुमको डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इसलिए बोल रहा हूँ कम से कम 5 कॉपी बनाना, 1 कॉपी घर पे लेके जाना, 3 कॉपी वहाँ पे सबमिट होगा और 1 कॉपी फिर अपने पास रखना वहाँ पे भी, क्योंकि हो सकता है कि 1 कॉपी और की ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए 5 से 6 कॉपी सारा डॉक्यूमेंट्स का बना करके लेके जाना है। और फीस जो मैं इससे पहले वाला वीडियो अगर तुम देखे होगे, तो इससे पहले वाला वीडियो में मैं फीस के बारे में बताया हूँ, तो फीस में कोई चेंज नहीं है, फीस वही है जो फ्री सीट है, फ्री सीट की हॉस्टल वगैरह सब मिला करके 90,000 फीस पड़ जाता है। और जो पेड सीट है, पेड सीट का 12 लाख रुपया पड़ जाता है। 12 लाख एक बार में नहीं देना है, 12 लाख जो है अलग अलग साल में देना, मतलब फर्स्ट ईयर में 4 लाख रुपया देना है, सेकेंड ईयर में जो है 3 लाख देना है, थर्ड ईयर में 3 लाख देना है, फिर फोर्थ ईयर में 1 लाख देना है, फिफ्थ ईयर में 1 लाख देना है, ऐसे करके तुमको 12 लाख रुपये देना है, जो कि बहुत ही कम सीट है, मतलब बहुत ही कम फीस है। तो ये हर स्टेट में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, बहुत ही कम स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे प्राइवेट सीट में तुमको गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट सीट कम पैसे पे मिलने का ये मिलता है तुमको, ऐसा मतलब बहुत कम स्टेट है, ठीक है। तो आराम से ले सकते हो काफ़ी, मतलब अगर प्राइवेट में लेना चाहते हो तो प्राइवेट से ये सब कॉलेज आराम से ले सकते हो, बहुत कम फीस है। यही अगर फुल्ली प्राइवेट कॉलेज से तुम वेटनरी करना चाहोगे तो 35 से 40 लाख रुपये लग जाता है। 12 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में, 3 लाख रुपए सेकेंड ईयर में, थर्ड और 3 लाख रुपए थर्ड ईयर में, 1 लाख रुपए फोर्थ ईयर में और 1 लाख रुपए फिफ्थ ईयर में। फिर जो NRI है, NRI वालों के लिए, BBSC NH के लिए 20 लाख रुपए है, फर्स्ट ईयर में 5 लाख देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में 4 लाख, थर्ड ईयर में 4 लाख, फोर्थ ईयर में 4 लाख और फिफ्थ ईयर में 3 लाख देना पड़ेगा। तो NRI से अगर जो लोग सीट लेना चाह रहे हैं वो भी, तो आज 26 तारीख है, कल यानी कि 27 तारीख है, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 28 तारीख को लास्ट डेट है, 28 तारीख को शाम के 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो लोग भी UP कैटेट का एग्ज़ाम दिए थे, वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो, और चॉइस लॉकिंग जो है, जो चॉइस फिलिंग जो अपना चॉइस फिलिंग करते जाना, जितना तुमको ऑप्शन चॉइस फिलिंग करना है चॉइस फिलिंग कर सकते हो, उसका ऑप्शन को रीअरेंज कर सकते हो, जो भी चीज़ करना कर सकते हो 28 तारीख तक, 2 दिन का टाइम दिया है तो 2 दिन कर सकते हो। चॉइस फिलिंग है को है ना, जो भी चॉइस फिलिंग कर लो उसको सेव जरूर करना, अगर सेव नहीं करोगे तो चॉइस फिलिंग तुम्हारा वो उड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो कोई मान्य नहीं रहेगा फिर उसका। तो जब भी चॉइस फिलिंग करना उसको सेव जरूर कर देना, सेव करके लॉक करो नहीं करो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सेव जरूर कर देना, ठीक है। अगर तुम लॉक नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जो 28 तारीख जो चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है उसमें जो लोग अगर सेव किया है जो भी चीज़ वो सेव रहेगा, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। बट अगर तुम चॉइस फिलिंग सेव करके लॉक भी कर दियो तो कोई इशू नहीं है, उसको जब तक डेट है 27 से 28 तारीख तक दोनों बीच में तुम लॉक भी कर सकते हो, अनलॉक भी कर सकते हो, ये फैसिलिटीज़ है, लेकिन सेव ज़रूर करना, सेव कर बिना सेव किए कोई नहीं छोड़ना, क्योंकि बिना सेव किए छोड़ोगे तो तुम्हारा जो है एक भी चॉइस फिलिंग नहीं रहेगा, वो सारा का सारा ब्लैंक रह जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम लोगों का काउंसलिंग से रिलेटेड जो है डाउट क्लियर होगा, समझ में आएगा। फिर भी अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना,
कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरा पेड मेंबरशिप ले सकते हो, मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो। ये बेनिफिट है उसका, बहुत कम फीस रखा हूँ मैं। तो जो लोग भी मेरे से काउंसलिंग करना चाहता है, जो भी गाइडेंस है, सपोर्ट है, सारी तुमको मिलेगी अभी से लेकर के ऑफलाइन काउंसलिंग होगा तब तक, लास्ट राउंड तक मिलेगा। ठीक है, सारा चीज़ मैं कॉल के थ्रू सारा चीज़ बताऊंगा और सारा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, उसमें जा करके वो तुम परचेज कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम लोग का ये डाउट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। अगर सबसे पहले एकदम ध्यान से जा करके है ना, इसमें कोई लापरवाही नहीं करना, काउंसलिंग अपना करो अच्छे से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो और मस्त रहो।